गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हनी की दुनिया में, आप हनी किक की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा ठीक 9 बजे। तो गाइस आज 9 बजे बज चुके हैं और आज है मंडे। तो मैंने किट्टू को रेडी किया था सुबह स्कूल जाने के लिए 8 बजे उठ के, पर ना इसकी तबीयत खराब हो गई। इसको फीवर, तबीयत तो इसकी रात से ही खराब हो रही थी, पर ना इसको फीवर बहुत तेज हो रहा था और इसको वॉमिटिंग हो गई थी। मैं इसको दूध पिला रही थी, इसको वॉमिटिंग हो गई। फिर ये बाद में रोने लगे, मम्मी मुझे उल्टी हो रही है, मम्मी मुझे उल्टी हो रही। फिर इसके पापा ने बोला नहीं मत भेज इसको स्कूल जब नहीं तबीयत ठीक लग रही है। तो फिर ऐसा ना हॉस्पिटल, वहाँ स्कूल जाके भी परेशान रहे लड़की ना, तो वहाँ पे भी इसको वॉमिटिंग वगैरह आ जाए। तो इसके लिए देखो मैंने इसके बाल वाल भी बना देते। बाबू दिखा, देखो मैंने इसको रेडी वेडी कर दिया था। उसने पहले तो स्कूल के कपड़ों पे उल्टी कर दी, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं एक्स्ट्रा ड्रेस है ना, मैंने वो पहना दी। पर फिर लास्ट में नहीं हो रहा था इससे, तो उसने बोला मम्मी मेरे को नहीं जाना। फिर उसके पापा ने बोला ठीक है आज छुट्टी करवा दो लड़की की। तो आज हमने किट्टू की छुट्टी करवा दी है ऑलरेडी। तो और आज मंडे भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि आज मंडे है तो आज से हम कुछ नया काम करने को सोचा है। मैंने क्या काम करने को सोचा ना गाइस, मैंने कहा कि घर से हर मंडे को हमने कुछ ना कुछ बना के जो गरीब लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ देना है। मैंने मतलब घर में भले खिचड़ी, भले दाल चावल, भले सब्जी रोटी, भले कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी बना के देना है, पर देना है। और वो मैं हर मंडे को अभी काम करने वाली हूँ। मैंने अभी नया नया शुरू किया है गाइस, काम तो नहीं एक सेवा है। भले ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, 50-100 लोगों को तो खाना नहीं खिला सकती, पर हाँ जितनी मेरी हैसियत है उतना तो खिला ही सकती हूँ ना। जैसे कि 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो वाशंकर, तो मैंने आज सोचा कि मैं आज से, तो आज मैं बना रही हूँ दाल, और सॉरी दाल कह रही हूँ, अरे वाशंकर जी। तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँगी काले वाले छोले और चावल, और वो हम यहाँ पे शिव मंदिर है वहाँ पे हम लोग दे के आएंगे जो गरीब लोग होंगे। क्योंकि पैसे देने से अच्छा है कि आप हफ्ते में एक बार ये काम कर लो। ऐसे भी आप लोग जॉब करते हो, आपकी सैलरी आती है उसमें, उसमें से 10% में नहीं 1% में निकाल के रखो ना, उसको वीक बजा के गरीबों को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। तो बस मैं सोचा है कि नया पुण्य का काम करने के लिए देखते हैं कैसा रहता है, रिजल्ट क्या रहता है क्या नहीं रहता। वैसे तो मैंने कोई रिजल्ट की उम्मीद नहीं करी है, बस ये कि मेरे मन को सुकून मिलेगा कि मैं सीटियाँ बज रही होंगी क्योंकि मेरे छोले उबल रहे हैं गाइस, छोले उबल रहे हैं मेरे यहाँ पे। किचन अभी पूरा गंदा हो रहा है क्योंकि साफ करना है। और मैंने सोचा अभी 9 बज रहे हैं, 12 बजे तक खाना पीना बना के छोले और चावल दे के आऊँगी लोगों को, जितने जितना मेरे से होएगा। देखो मैं नहीं बोल रही कि मैं बहुत सारे लोगों को खिलाऊंगी, पर अगर मेरे 10 लोगों को हो तो मैं 10 लोगों को खिलाऊंगी। तो गाइस आप लोग भी ये काम जरूर करना है ना। तो अभी मैं पहले फ़ोन, मैंने वीडियो एडिटिंग कर ली है कल वाली, अभी मैं पहले ऐसा कर रही हूँ कि मैं खाना बना दिया, खाना बना लेते और घर का काम निपटा लेते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली घर का काम वाम सब कुछ डन हो चुका है, एकदम कंप्लीट हो चुका है घर का काम वाम। किट्टू बैठी है अपना फोन चला रही है, मेरा घर का काम वाम हो चुका है कंप्लीट। अपना मिशन कामयाब कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को सुबह बता ही दिया था कि मैं आज मंडे है तो आज मैं कुछ गरीबों को खाना खिलाऊंगी। और ये मैं आज इस मंडे को नहीं, मैं हर मंडे को करूंगी, जितना भी मेरे से हो पाएगा। अगर मेरी खाना बनाने की हिम्मत नहीं है तो मैं बाहर से लेके आके कुछ खिलाऊंगी, पर करूंगी जरूर। तो गाइस आप लोग मुझे बताना कि मैं ये सही कर रही हूँ कि नहीं। वैसे ऑलमोस्ट सही कर रही हूँ पर फिर भी एक बार। और आज मैंने क्या बनाया वो बता दें। मैं बना रही हूँ छोले, छोले की सब्जी। ये तो भी मसाला भून रहा है, छोले मैंने यहाँ पे उबाल रखे। यहाँ पे मैंने चावल बना रही हूँ क्योंकि छोले चावल देने हैं मेरे को आज, तो मैंने कहा शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो इसके लिए अभी यहाँ पे चावल बन रहे हैं, ऑलमोस्ट डन होने वाले। यहाँ सब्जी का मसाला बन रहा है। अब उससे पहले मैं फटाफट से अपना किचन साफ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने किचन बहुत गंदा कर दिया अपना काम करते करते, तो पहले मैं इसको साफ कर लेती हूँ। सो गाइस किचन का काम वाम हो चुका है डन, एकदम साफ सुथरा कर दिया है मैंने किचन। बस चावल बन गए हैं और छोले यहाँ पे बन रहे हैं। बस बन तो जो गए, बस एक सीटी लगवाने बाकी रह गया था क्योंकि मैंने मसाला भुना था, तो उसके बाद भी मैं सीटी लगवाती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आता है। बाकी सारा काम वाम हो गया है डन, बस गुड़िया गई है सामान लेने के लिए। सामान लेने के लिए क्योंकि जिसमें हमने खाना पैक करना है ना, वो बर्तन हमने कर लिए थे पर हम वहीं भूल के आ गए थे दुकान पे। तो बस गुड़िया भी अभी गई है नीचे लेने के लिए, ज़्यादा दूर भी नहीं, घर के पास में ही है दुकान। तो बस वहाँ से एक बर्तन लेने गई है जिस डोंगे में हम इनको पैक करेंगे, वो डोंगे लेने गई है गुड़िया। तो बस जैसे आती है फटाफट से पैक करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। अभी मम्मी उठा उठा के डाल दे, आज हम लोग जा रहे हैं गरीब लोग को खाना दे रहे हैं मंडी से। देखो आप गाइस, ये मैं एक और प्लेट रखा है वाला,
मम्मी बोल रही है कि हम लोग अपने लिए और बना लेंगे ना। मेरा बिंगड़ो लीमा के फूला तो गाइस कर रहे हैं हम लोग पैकिंग, देख सकते हो आप लोग। हमने 25 प्लेटें बनाई है, हमारे चावलों ने 25 प्लेटें बन गई थी, तो बस अभी हम लोग उसमें चावल डाल दिया। अब हम डाल रहे हैं छोले, सब्जी ये रही, और गुड़िया मुझसे सारी पैकिंग कर रही है अच्छे से सी, और किट्टू भी साथ में हेल्प करा रही है, मासी को एक एक रैपर दे रही है और मौसी कर रही है पैक। तो गाइस पैकिंग कर रहे हैं हम लोग अपनी, देने के लिए मिशन कामयाब करने वाले हैं अभी। और आज हम जाएंगे शिव मंदिर गाइस, आज हम लोग शिव मंदिर जाएंगे क्योंकि आज हम लोग गरीब लोग को खाना देने जाएंगे, क्योंकि ये सही है ना, क्योंकि गरीब लोग को भी खाना देना सही है। अभी अभी ये लगा रहे हैं, पैक कर रहे हैं। सो गाइस सारे पैकिंग कर ली है हम लोगों ने, देख सकते हो आप लोग। नहीं बेटा, इसे फिर नेक्स्ट सोमवार को भी जाएंगे ना, फिर करेंगे ना पैकिंग। तो गाइस हमने खाना पैकिंग कर लिया, हमने टोटल 25 प्लेटें बनाई है ना, और बस मैंने कहा ना जितनी हो सके, भले आपके पास 5 लोगों को खाना खिला दो, भले 5 लोगों को खिलाओ, भले 2 लोगों को खिलाओ, पर खिलाओ जरूर, है ना। तो बस अभी हमने ये कर लिया, अभी हम लोग फटाफट कपड़े चेंज करते हैं, मिलते हैं आपसे। पैकिंग हो चुकी है डन, और अभी हम लोग निकल, तो गाइस बस निकल रहे हैं हम लोग शिव मंदिर जाने के लिए, क्योंकि हमें ये सब कुछ देना है, तो बिना टाइम वेस्ट करें चलो मिलते हैं शिव मंदिर जाके। निकल चुके हैं हम लोग शिव मंदिर के लिए, बैठ गए हम लोग बोटों में, बहुत ही अच्छा हो रखा है। अभी फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है बारिश आई है, और आ भी सकती है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ अभी लगता है कि बारिश नहीं आएगी, तभी बारिश आ जाती है गाइस, तो अभी बारिश नहीं लग रही है। हमने यहाँ पे अपने पार्सल पैक कर लिए हैं पन्नी में, अब जो शिव मंदिर के पास है थोड़ा आगे भी देखेंगे, जहाँ पे भी जिसको जो ज़रूरतमंद होगा उसको लगेगा देने है का है, तो हम वहीं पे देंगे। बाबू अभी अभी जो है ना उनको पहले उनको दे दो, फिर बच्चे का, फिर मैं आपको, और किसी को भी है उनको बुला लो, किट्टू को बिठा, उनको बुला लो, किट्टू ऊपर है, बैठो बैठो। अभी मत आना, मैंने आपको देखा था आप आए थे बेटा, हम लोगों ने प्रसाद दे दिया है, अब सब लोग यहाँ बैठ के खाएंगे और हम लोग जाएंगे अपने घर, क्योंकि मौसम ऐसा सही है ना, देखो कि यहाँ पे लगता है बारिश हुई है, क्योंकि पूरा गला गीला है ना, तो इसके लिए कहीं, और किट्टू की तबीयत पहले ख़राब लगी पड़ी है, तो इसके लिए गाइस शाम की पूजा हो चुकी है डन, और यहाँ पे बज रहे हनुमान जी के भजन, और यहाँ पे मैंने पूजा वूजा कर ली है डन, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। फिलहाल थोड़ी बहुत बारिश हुई थी आप देख सकते हो, और अभी बारिश रुक गई है फाइनल, सॉरी सुबह का बोली, शाम का बज चुका है 7 गाइस, और अब मैं जा रही किट्टू को ट्यूशन छोड़ने, क्योंकि लेट ना हो जाए, क्योंकि किट्टू आज स्कूल भी नहीं गई। मैंने उसको दवाई तो दे दी थी, पर मैंने सोचा चलो अभी दवाई तो दे दी है, थोड़ा सा आराम मिला है उसको, मैं ट्यूशन तो भेज देती, क्योंकि स्कूल तो गई नहीं, तो आज ट्यूशन तो भेज देती हूँ, और सुबह तक भगवान करे ठीक हो जाए, बाबा जी करे, तो फिर हम किट्टू को वो करेंगे, कल स्कूल भेजूंगी उसको, और इसके लिए बस अभी चलते हैं किट्टू को छोड़ कर। हम
बहुत ही अच्छा हो रहा है गाइस। मैं तो बोलती हूँ बारिश ना हो पर ऐसे मौसम है, क्योंकि ज़्यादा बारिश भी आ रहा ना तो चिक 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 लगता है। दोपहर में बस हम लोग जैसे वहाँ से आए थे, वहाँ पे शिव मंदिर से आए थे, बस वैसे ही आके मैंने किट्टू को खाना खिलाया और हम लोग रेस्ट करने चले गए। क्यों करना, सुबह जल्दी उठ गई थी मैं किट्टू की वजह से, मैं स्कूल भेजूँगी पर वो स्कूल गई नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके लिए बस अभी इसलिए हम लोग दोपहर में रेस्ट करने लग गए थे, मैं भी और किट्टू भी। दवाई दी थी किट्टू, किट्टू भी सो गई, मैं भी, और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है तो नींद तो ऑटोमेटिकली आती है ना। तो बस अभी मैं किट्टू को छोड़ के आती हूँ ट्यूशन, उसके बाद कुछ कपड़े देने हैं टेलर को तो वो भी दे के आऊँगी। इस किट्टू को छोड़ के आ चुकी हूँ ट्यूशन, अब मैं सोच रही हूँ फटाफट पहले मशीन लगा दूँगी, वो थोड़े से कपड़े गंदे हैं तो मैं सोच रही हूँ वो कपड़े वहाँ धुल जाए तो अच्छा रहेगा, तो फटाफट से पहले कपड़े वपड़े लगा लेते हैं क्योंकि अभी किट्टू आ जाएगी ना, फिर किट्टू को ध्यान देना पड़ता है क्योंकि तबीयत खराब रहती है, फिर मम्मी करती रहती है वो, तो भी मैं फटाफट मशीन लगा देती हूँ। मशीन लगा ही रखी है, बस एक बार और घुमानी है और थोड़े से कपड़े ये वाले हैं, घूम रहा है एक चक्कर ये, बस 10 मिनट का काम है, मोटा मोटा सा निकल जाएगा। चलो जल्दी से आ शो, उल्टी जैसे लग रहा था, हुई तो नहीं ना? नहीं। हाँ तो बस जल्दी चप्पल पहनो, पारी पारी चप्पल पहनो, पारा पारा बाबू झंडी आओ। किट्टू को लेने आ गई थी मैं ट्यूशन से, इसका फोन आया था इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो टीचर ने बोला इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसको लेके चले जाओ, तो फिर मैं इसको लेने आ गई थी, बस 8:30 बज चुका है पर मैं इसको लेने आ गई थी अपने बबलू को, अपने बबलू को। ये है मेरी रसमलाई, कौन आप मेरी जलाई लोग जा रहे हैं अपने घर 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 घर। Hey guys, so finally काम वाम सब कंप्लीट हो गया, किट्टू को खाना खिला दिया, दवाई भी पिला दी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, और लाइक तो 100% करना ही करना। तो guys, बस हाँ हो गया। चलो गाइस अभी फटाफट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खेचिया, मत दिला और